हेलो दोस्त, मैं अरविंद मीणा। जैसा कि कुछ लोगों का क्वेरी आ रहा था कि आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो और बाबा तो पूरी सरकार को हिला कर रख देता है और आप मीणा होकर भी डरते हो, ऐसा है क्वेरी आया मेरे पास। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे राजस्थान में बाबा किरोड़ी लाल जी मीणा को बोला जाता है, वो एक राजनीति करते हैं। हमें कोई राजनीति नहीं करनी, हमें वेटिंग क्लियर करवानी है और हम घबराने वालों में से नहीं हैं। अगर हम घबराने वालों में से होते तो आप लोगों के लिए ये कुछ ना करते। और ये है, और दूसरा क्वेरी था कि कुछ कैंडिडेट ने मेरे को कसम दी है कि आपको आपकी गर्लफ्रेंड की कसम है कि आप ईमेल एक वीडियो बनाइए जिसमें सभी कैंडिडेट को ईमेल के लिए। तो मेरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर आप में किसी के पास दो गर्लफ्रेंड हो तो एक मुझे ज़रूर दे दीजिए, ये कहना चाहता हूँ। और कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, जिसके पास दो एक्स्ट्रा में तो मेरे को दे दीजिए, ये कहना चाहता हूँ। और आगे का प्लान क्या है, तो 12 तारीख को राजस्थान के सभी कैंडिडेट श्रीमती जसकौर जी मीणा और दिया कुमारी जी और सुमेधानंद सरस्वती जी इनसे मिल रहे हैं, और 13 तारीख को बिहार वाले जिनका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, जिन सांसदों का नाम लिया तो उनसे 13 तारीख को राधा मोहन सिंह जी जो स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स हैं उनसे मिलेगा, और गोपाल जी ठाकुर वो भी बिहार से हैं, माननीय कौशलेंद्र जी जो नालंदा से हैं उनसे भी मिलेगा, और मनोज कुमार झा जो ये भी बिहार से हैं तो इनसे भी मिलेगा, और बचे हुए जो सांसद बचे हैं तो उनको उनसे भी मिलना है स्टैंडिंग कमेटी मेंबर से, और जो कोलकाता पश्चिमी बंगाल के हैं तो वो भी 14 तारीख को उनसे ज़रूर मिलिए जो स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स हैं रेलवे के, उनसे मिलिए। और कल सुबह 10 बजे से लेकर और 12 बजे तक लगातार सभी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स को जितना हो सके उतनी मेल करनी है, और मेल जिसके पास मेल आईडी नहीं है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे सभी सांसदों के स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स के मेल आईडी दे दूंगा, तो उसमें से लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहां से ईमेल आईडी ले लीजिए और जितना हो सके उतना मेल कीजिए। हमारी बात सांसद स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री सभी जगह पहुंच चुकी है डिजिटल तरीके से, लेकिन हमें फिजिकल तरीके से भी पहुंचानी है, और वो सभी को घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अभी भी मेरे पास ऐसे कॉल आए हैं कि वहाँ कौन कौन जा रहा है, भाई किसी के भरोसे मत बैठो, कौन जाएगा कोई नहीं जाएगा, एक दूसरे का मुँह देख रहे हो, ये कोई टाइम है क्या बैठने का, कोई टाइम नहीं है बैठने का, हाँ तो निकलो घर से बाहर और जाओ। आप वहाँ जाने के बाद में आपको वो स्वयं नहीं मिले तो उनका पीए मिलेगा, पीए से रिक्वेस्ट करवा के कैसे भी करके वहाँ से लेटर भिजवाइएगा, हो सकता है वो डायरेक्ट कॉल भी करे रेलवे उप मिनिस्ट्री, जितनी हो सके अपनी पीड़ा व्यक्त कीजिए, उनको बताइए कि हम इतने परेशान हैं कि हमें मतलब समाज में हीनता से देखा जाता है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं हर वीडियो में मतलब अपने आप को आपकी जगह रहकर ही अपनी ये बताता हूँ कि लड़कों प्रेजेंट टाइम में क्या बेहतरी है क्या नहीं है कैसे है। मैं अगर एक बात बताऊँ, आज मेरी वेटिंग क्लियर नहीं होती तो आज मुझ पे क्या बीतती है ना, तो ऐसे कोई बात नहीं है, जो बताया जा रहा है कीजिए, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे। ये कहना चाहता हूँ जितनी हो सके उतनी मेल कीजिए। और हमने ट्विटर कैंपेन चलाया था, ट्विटर कैंपेन भी सफल रहा हमारा, सभी जगह जहाँ हमारी बात पहुँचानी थी वो पहुँचा चुके, ये कहना चाहता हूँ धन्यवाद। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए मोटिवेशन के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो घर बैठ के ज्ञान देते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो मेहनत पे ध्यान देते हैं।